आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। दोनों रामलला हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन पूजन। बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री चुनाव जनसभा को करेंगे संबोधन। मुख्य सचिव और डीजीपी भी रहेंगे मौजूद और अयोध्या के दौरे पर। बड़ी खबर सामने आ रही है, अयोध्या से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज अयोध्या दौरा है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शो एक्सपोर्ट के यहां आईटी की जांच जारी। 37 घंटे से ज्यादा समय से आईटी की जांच जारी, टीमें अलग अलग स्थानों पर खंगाल रही दस्तावेज। मंगलवार को सुबह आईटी टीम ने डाला था छापा। बड़ी खबर सामने आ रही है, मन्नू अलग, विजय आहूजा, मानसी चंद्रा के छापेमारी, राजेश सहगल के अलग अलग जगह पर भी छापेमारी। फैक्ट्रियों और घरों पर मारा था टीम ने छापा। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो छापेमारी जारी है आईटी की। आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शो एक्सपोर्टर्स के यहां आईटी की जांच जारी। 37 घंटे से ज्यादा समय से आईटी की जांच जारी, टीम अलग अलग स्थानों पर खंगाल रही दस्तावेज। मंगलवार को सुबह आईटी टीम ने डाला था छापा। बड़ी खबर सामने आ रही है, मन्नू अलग, विजय आहूजा, मानसी चंद्रा किया छापेमारी, राजेश सहगल के अलग अलग जगह पर छापेमारी। फैक्ट्रियों और घरों पर मारा था टीम ने छापा। बड़ी खबर सामने आ रही है, छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कई शो एक्सपोर्टर्स के यहाँ आईटी ने जांच की, अभी भी जांच जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, लगभग 37 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, आईटी की जांच जारी है, टीम अलग अलग स्थानों पर दस्तावेज खंगाल रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, मंगलवार को सुबह आईटी टीम ने डाला था छापा। मनु अलग, विजय आहूजा, मानसी चंद्रा, तमाम लोगों के घर पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। राजेश सहगल के भी अलग अलग जगह पर, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्री और घरों पर भी टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, शो एक्सपोर्टर्स के यहाँ आईटी की जांच जारी। बड़ी खबर सामने आ रही है, 37 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है, आईटी की जांच जारी है, लगातार आईटी डिपार्टमेंट एक्टिव नजर आ रहा है, टीम अलग अलग स्थानों पर दस्तावेज खंगाल रही है। मंगलवार को सुबह आईटी की टीम ने छापा मारा था और अभी भी कार्रवाई जारी है। मनु अलग, विजय आहूजा, मानसी चंद्रा, सभी के घर पर, ठिकानों पर छापेमारी जारी है। राजेश सहगल के भी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है। फैक्ट्रियों और घरों पर भी टीम ने छापा मारा था और कार्रवाई अभी भी जारी है। बड़ी खबर आगरा से ही सामने आ रही है, शो एक्सपोर्टर्स के यहाँ आईटी की जांच जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, 37 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, आईटी की जांच जारी है। आईटी का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है, चुनावी समय है, इससे पहले अलग अलग लोगों पर आईटी छापेमारी कर रही है, छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को सुबह आईटी ने छापा मारा था मनु अलग, विजय आहूजा, मानसी चंद्रा के घर पर, साथ ही राजेश सहगल के भी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं आगरा से। ममता, हम जानना चाहेंगे कि आईटी की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और कब से जारी है। जी बिल्कुल मैम, आपको बता दूं कि जिस तरह ये आईटी की जो कार्रवाई है, मंगलवार सुबह से ही ये लगातार जारी है और लगभग महज 37 घंटे के लगभग इसको हो चुके, और अब तक जो आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं, कई अधिकारी उसमें लगे हुए हैं और कई लगभग 4 से 5 लोगों के यहाँ आगरा के अंदर जो छापामारी कार्रवाई इनकी की जा रही है। और फिलहाल अब तक उनके द्वारा कोई भी इस तरह का वर्जन या कोई इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है कि क्या कुछ मनु अलग है और विजय आहूजा, मानसी चंद्रा, राजेश सहगल और रूबी सहगल के यहाँ जो अलग अलग जगहों पर इनके छापेमारी जो की गई है फैक्ट्री और घरों में,
अब तक कोई भी अधिकारी ने साफ तौर से अभी कुछ भी कैमरे के आने आगे कुछ भी कहने से नहीं कहा गया है जी. जिस तरह क्या कुछ मिला है इनके यहाँ से जी जी. तो अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है ममता कि क्या कुछ बरामद हुआ है सभी के ठिकानों पर, घर पे और फैक्ट्रियों पे छापेमारी की जा रही है, तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि कुछ बरामद हुआ है या नहीं हुआ है जी. बिल्कुल अभी तक कोई भी इस तरह की अधिकारियों के द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है मीडिया के सामने कि क्या कुछ इनके घर से बरामद हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ है. तो लगातार ये 37 घंटे से लगातार ये कार्रवाई चल रही है. ममता अभी सपा के नेताओं पे छापेमारी और उनसे जुड़े लोगों पर छापेमारी की जा रही थी आईटी के द्वारा, लेकिन अब ये शो एक्सपोर्टर्स के ऊपर छापेमारी की गई है, क्या इनका भी कोई जुड़ाव है सपा से जी. बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह ये अगर हम अखिलेश यादव की जो सपा जो पार्टी की अगर जुड़ाव की बात करें तो ये जो जितने भी लोग हैं विजय आहूजा, मानसी चंद्रा, मन्नू अलग और रूबी सहगल, ये सभी सपा से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि पार्टी से नहीं, लेकिन इनके जो घरेलू टर्म्स हैं जो सपा से जो पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव हैं उनसे काफी इनके घरेलू टर्म्स हैं जी. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए. इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से. अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव के पहले अयोध्या पुलिस में भारी फेरबदल, 46 उपनिरीक्षक के कार्य क्षेत्र में फेरबदल. बड़ी खबर सामने आ रही है, एसएसपी शैलेश पांडे ने किया फेरबदल, 8 चौकी इंचार्ज बदले गए. बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव के पहले अयोध्या पुलिस में भारी फेरबदल, 46 उपनिरीक्षक के कार्य क्षेत्र में फेरबदल, एसएसपी शैलेश पांडे ने किया फेरबदल, 8 चौकी इंचार्ज भी बदले गए. इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से. राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, किन किन लोगों का फेरबदल किया गया है और कार्यभार में बदलाव हुआ है? जी बिल्कुल शिखा, जिस तरीके विधानसभा चुनाव को देखते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने 46 चौकी इंचार्जों का ट्रांसफर किया है, जिसमें उप निरीक्षक हैं, निरीक्षक हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के एक सतर्कता बरती जा रही है. जो ऑफिसर्स चुनाव को लेकर के एक जगह लगे हुए थे, एक जगह ये इनका ट्रांसफर नहीं हुआ था, उनको लेकर के आज ये एसएसपी शैलेश पांडे अयोध्या ने बड़ी कार्रवाई की है. इनको फेरबदल किया गया है एक स्थान से दूसरे स्थान पर. जी बिल्कुल, तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फेरबदल किया गया है, आने वाले समय में क्या कुछ इसी तरह के और बदलाव हो देखने को मिल सकते हैं राघवेंद्र? जी बिल्कुल, जिस तरीके ये फेरबदल देखा जा रहा है, तो इसको लेकर के एसएसपी ने जो कार्रवाई की है, तो इसको लेकर के भविष्य में पूरे जिले की पुलिसिंग को लेकर के एक ये सामने आ रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके सतर्कता बरत रही है पुलिस, तो इसमें फेरबदल की जरूरी कार्रवाई की जा सकती है. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए. इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे अयोध्या से. बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बस्ती दौरा, बड़ी खबर सामने आ रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद, राजा दशरथ इंटर कॉलेज में करेंगे जनसभा, नितिन गडकरी और केपी मौर्य देंगे बड़ी सौगात, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का होगा शिलान्यास, बड़ी खबर सामने आ रही है, 275 किलोमीटर के दायरे में मिलेंगे सौगात. और ऐसे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नहर में मिली अज्ञात महिला की लाश, लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, शव को नहर से निकलवाने में लगी पुलिस, अच्छलदा नहर पुल का मामला बताया जा रहा, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अज्ञात व्यक्ति की शव मिलने से मचा हड़कंप. औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नहर में मिली अज्ञात महिला की लाश,
लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बड़ी खबर सामने आ रही है, शव को नहर से निकालने में लगी पुलिस। अच्छलदा नहर पुल का मामला बताया जा रहा। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा नेता अनुराग पांडे भूले शब्दों की मर्यादा। जमीनी विवाद में पीड़ित से की गाली गलौज, पीड़ित को गाली देने का वीडियो हुआ वायरल। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मर्यादा भूलते नजर आ रही था एक मॉडल शॉप की जमीन को लेकर है विवाद। पुलिस और जिला प्रशासन के सामने दी गाली। बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा विधायक मनोज कुमार पांडे के हैं छोटे भाई। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा नेता अनुराग पांडे भूले शब्दों की मर्यादा। जमीनी विवाद में पीड़ित से की गाली गलौज, पीड़ित को गाली देने का वीडियो भी हुआ वायरल। बड़ी खबर सामने आ रही है, एक मॉडल शॉप की जमीन को लेकर है विवाद। और इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओम, क्या कुछ है मामला? ये एक मॉडल साहब की जमीन पर अवैध कब्जा करे हैं, फर्जी एग्रीमेंट कराकर, जिससे जो है पीड़ित जो है लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि इनके बड़े भाई समाजवादी पार्टी से ऊंचा हाथ से विधायक हैं मनोज कुमार पांडे। कहीं ना कहीं ये दबंगई और ये छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी में है, तो सत्ता के मद में जिला प्रशासन के सामने जिस तरह से इन्होंने पीड़ित के साथ गाली गलौज की है और जिला प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बनकर देखता रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कानून व्यवस्था पर ये सवाल भी उठाता है। जी बिल्कुल, तो अब इस पे क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या इस मामले की शिकायत कहीं की गई है या नहीं? जी हाँ, ये जो पीड़ित पक्ष है ये लखनऊ में इको गार्डन में भी धरने पर बैठा था, वहाँ मुख्यमंत्री को भी इसने शिकायती पत्र एक सौंपा है। उसके बाद जो है टीम बना के जो है जिला अधिकारी ने भेजी थी और उन्हीं के सामने इस भाजपा नेता ने अपने भाई की सह पर पीड़ित के साथ जो गाली गलौज की है। अब पीड़ित जो है तहरीर दे रहा है, देखना है कि इस तरह के भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर जो है कहीं ना कहीं पुलिस जो है जांच के नाम पर टहला देती है। ओम, इस पूरे मामले पर पीड़ित का क्या कहना है? पीड़ित का यही कहना है कि कम से कम 7 से 8 साल हो गए हैं पीड़ित की जमीन पर फर्जी एग्रीमेंट कराकर ये कब्जा करे हैं। मामला हालांकि न्यायालय में है, लेकिन उसके बाद जो है वहां पर निर्माण कार्य भी बीच बीच में कराया करते हैं, जिसको लेकर ये विवाद हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।